अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इसासे उर्दू हिस्सा इब्तदाई अवल प्ले क्लास की किताब में से बहुत कुछ सीखेंगे। जी हम जीम के ख़ानदान की सरगर्मी करेंगे। ये बहुत ही मज़े का काम है। जी तो सरगर्मी बराए पहचान मश्क सफ़ा नंबर 20 पर, सफ़ा नंबर 20 पर हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। जी तलीमी मकासद जो हैं, हमने रंग भरने का शौक़ पैदा करना है। जी क्या आपको रंग भरना अच्छा लगता है? मुझे तो रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। जी और देखें यहाँ पर दिए गए हरूफ में रंग भरने हैं और ज़बान से अदा करना है कि हम कौन से हरूफ में रंग भर रहे हैं। जी तो हमारे पास जो पहला हर्फ है वो है जीम आवाज़ ज, दूसरा चे आवाज़ च, तीसरा हे आवाज़ ह और चौथा खे आवाज़ ख। जी तो चले हम अपने रंगों का काम शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से क्रेयॉन्स कलर हैं। जी हम इन क्रेयॉन्स कलर का इस्तेमाल करते हुए रंगों को मुकम्मल करेंगे, यानी इन हर्फ में रंग भरेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे। मेरे पास जो पहला रंग है वो है हरा रंग। चलें अब इस जीम आवाज़ जा में रंग भरते हैं। जीम आवाज़ ज, जीम आवाज़ ज, आप भी साथ साथ पढ़िए जीम आवाज़ ज, जीम आवाज़ ज, बहुत अच्छे जीम आवाज़ ज मुकम्मल हुआ। चलें अब हम दूसरे हर्फ में रंग भरते हैं। दूसरा हर्फ तलफ़ से आवाज़ चा है। चलें साथ साथ रंग भरते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं। चे आवाज़ च, 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 च के अंदर तीन नुक्ते होते हैं। लीजिए च मुकम्मल हुआ। अब हम अगले हर्फ में रंग भरते हैं। अगला जो हमारे पास हर्फ है वो है हे आवाज़ ह, हे आवाज़ ह। चलें जी इसमें रंग भरते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं। हे आवाज़ ह, 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 हे आवाज़ ह। लीजिए हे आवाज़ ह भी मुकम्मल हुआ। चलें अब आखिरी हर्फ यानी खे आवाज़ ख में रंग भरते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं। खे आवाज़ ख, खे आवाज़ ख, खे आवाज़ ख, ख के ऊपर एक नुक्ता होता है। जी लीजिए रंग भरने का काम मुकम्मल हुआ और हमने बहुत अच्छे तरीके से जीम के ख़ानदान को लफ्ज़ों में यानी ज़बान से अदा भी किया। चलें अब अगली सरगर्मी की जानब बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक जैसे हरूफ को मिलाएं। अब हमने यहाँ पर एक जैसे हरूफ को आपस में मिलाना है। चलें तो हम मिलाने का काम शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत खूबसूरत सा रंग है। चलें हम इसी से मिलाते हैं। चलें देखें जीम के अंदर एक नुक्ता है आवाज़ जा, और यहाँ पर भी जीम के अंदर एक नुक्ता है आवाज़ जा। तो इस जीम को इस जीम के साथ मिला देंगे। आगे देखें यहाँ पर मेरे पास चे आवाज़ चा है और चे के अंदर तीन नुक्ते हैं, और यहाँ पर जो चा है उसके अंदर भी तीन नुक्ते हैं, इसलिए इस चा को इस चा के साथ मिला देंगे। आगे देखिए ह, इस ह के ऊपर या नीचे या अंदर कहीं भी कोई भी नुक्ता नहीं, इसी तरह यहाँ पर भी। चलें इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। आगे देखिए ये ख है और ख के ऊपर एक नुक्ता है, इसीलिए इस ख को इस दरमियान वाले ख के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। जी आगे देखिए सफ़ा नंबर 21 पर, बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। जी इस सरगर्मी में हमने जो करना है काम वो है दी गई तस्वीर को मुतलका हरूफ से मिलाना है।
यानी यहाँ पर जो तस्वीर है उनको दोनों तरफ जो हरूफ दिए गए हैं उनसे मिलाना है। जैसे पहली तस्वीर में उन्होंने हमें मिलाकर बताया कि यहाँ पर जामन है, तो जामन की शुरू की आवाज़ जा है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेसिंग करते हुए उन्होंने हमें ज के साथ जामन मिलाते हुए बताया है। सो ज से जामन बनते हैं। आगे जो हमारे पास हर्फ है वो है च। च के अंदर तीन नुक्ते हैं। अब देखते हैं कि च से क्या बनता है। च होज, च हेमा, च चिराग। जी च चिराग, च से चिराग बनता है। अब यहाँ पर देखिए च कहाँ है, अरे ये रहा। चलें इस च को इस चिराग से मिलाते हैं। आगे देखिए हमारे पास जो हर्फ है वो है ह। ह ह होज और ह हेमा। जी ह होज, तो इसको ह होज से मिलाएंगे। और यहाँ पर ह ये रहा, चले इस ह को भी इसके साथ मिलाएंगे। आखिर में देखिए आखिर में जो हर्फ है वो ख है। ख खेमा, तस्वीर भी एक ही बची है और वो है खेमा, इसलिए इस खा को हम खेमा के साथ मिलाएंगे और दूसरा खा ये रहा। जी काम मुकम्मल हुआ। आगे सरगर्मी में देखिए यहाँ पर जो सरगर्मी है वो बहुत ही खूबसूरत सी है। तस्वीर को देखकर दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। तस्वीर को देखते हुए हमने दुरुस्त हर्फ के इर्द गिर्द दायरा लगाना है। क्या आपको तस्वीर नज़र आई, बहुत ही खूबसूरत सी। पहली तस्वीर में हम जहाज़ को देखते हैं और जहाज़ की शुरू की आवाज़ जा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये जा है जिसके अंदर तीन नुक्ते हैं, ये जा है, या जिसके अंदर या ऊपर कोई नुक्ता नहीं, या ये जा है। जी पहले वाला जा है जिसके अंदर एक नुक्ता है, इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। लीजिए मुकम्मल हुआ। आगे देखिए ये खुबानी है, ये खुबानी है और खुबानी की शुरू की आवाज़ ख है। जी तो मुझे बताइए क्या जिसके अंदर तीन नुक्ते हैं वो ख है, या जिसके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं वो ख है, या फिर जिसके ऊपर एक नुक्ता है वो ख है। जी ये रहा ख। अगली तस्वीर में देखिए यहाँ पर तस्वीर में एक चम्मच है और चम्मच की शुरू की आवाज़ च है। तो मुझे बताइए कि च के अंदर क्या एक नुक्ता होता है, या फिर च के ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता, या फिर तीसरे हर्फ को देखिए इसके अंदर तीन नुक्ते हैं, या फिर ये च है। जी ये च है, च चम्मच। आगे देखिए ये हमाम है, ये हमाम है और हमाम की शुरू की आवाज़ ह है। जी तो क्या ह तीन नुक्तों वाली है, या जिसके ऊपर एक नुक्ता है, या जिसके अंदर या ऊपर कोई नुक्ता नहीं वो ह है। जी जिसके अंदर या ऊपर कोई नुक्ता नहीं वो ह है। आगे देखिए ये चांद है, ये चांद है और चांद की शुरू की आवाज़ च है। तो क्या च के अंदर एक नुक्ता होता है या तीन, मुझे बताइए क्या एक नुक्ते वाला चा है या तीन नुक्ते वाला। जी तीन नुक्ते वाला चा है, चा के इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। आगे देखिए ये जग है, जग की शुरू की आवाज़ जा है, जग की शुरू की आवाज़ क्या है जा है। क्या जा के अंदर तीन नुक्ते होते हैं, या कोई नुक्ता नहीं होता, या फिर एक नुक्ता होता है। जी जा के अंदर एक नुक्ता होता है, तो ये रहा ज। जी तो प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल करने के बाद अब हम सफ़ा नंबर 22 की जानब बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 22 पर देखें बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। इस सरगर्मी में हमने जो काम करना है वो है च से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरिए। च से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरिए। सो पहली तस्वीर में तो हमारे पास जो तस्वीर है वो है खरगोश की, ये एक खरगोश है। और दूसरी तस्वीर कौन सी है, दूसरी तस्वीर में हमारे पास चिराग है, एक चिराग। जी तो चिराग की शुरू की आवाज़ क्या है, च, तो इसलिए हम चिराग में रंग भरेंगे। जी खूबसूरत सा रंग भरते हुए चिराग में बहुत ही खूबसूरत सा रंग भरेंगे। ये चिराग है, जी ये चिराग है, चिराग बहुत खूबसूरत है, ये एक चिराग है। चिराग,
जी, तो चिराग में रंग भरने के बाद सरगर्मी नंबर दो की जाना पड़ेंगे। सरगर्मी नंबर दो में देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। सरगर्मी नंबर दो जो है वो है ज से बनने वाली तस्वीर में रंग भरना है। ज से बनने वाली तस्वीर, कौन सी तस्वीर है? यहाँ पर एक तरफ तरबूज है। जी, तरबूज की शुरू की आवाज़ ज तो नहीं, वो तो ता है। आगे हमारे पास जहाज़ है और जहाज़ की शुरू की आवाज़ ज है, इसलिए हम जहाज़ में रंग भरेंगे। तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा नीला रंग है, चलें हम इसमें रंग भरेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी। ज जहाज़, ज जहाज़, ये जहाज़ है। ज जहाज़, ये जहाज़ है। जहाज़ बहुत ही खूबसूरत होता है, जहाज़ बहुत ही बुलंदियों पर उड़ता है। जी, ये जहाज़ है। लीजिए प्यारे बच्चों, हमारी सरगर्मी मुकम्मल हुई, यानी जा के ख़ानदान की सरगर्मी मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आपको सरगर्मी ब्राय पहचान की बहुत अच्छे तरीके से समझ और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। आप भी अपनी किताब एहसासे उर्दू हिस्सा इब्तदाई अवल प्ले क्लास की किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।